गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एमएससी फाइनल प्रैक्टिकल के टॉपिक स्टडी ऑफ म्यूजियम स्पेसिमेंस के अंतर्गत नोटोप्टेरस फिश। नोटोप्टेरस फिश की एज ए म्यूजियम स्पेसिमेन आज अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन हो चुका है कि अपनी जो फिश है वो नोटोप्टेरस फिश है। अब इसकी अपन सबसे पहले देखेंगे सिस्टमेटिक पोजीशन। सिस्टमेटिक पोजीशन में अपन सब जानते हैं कि जो फिश हैं वो फाइलम कोर्डेटा में आती हैं। कोर्डेटा के जो की करेक्टर्स हैं वो इसमें पाए जाते हैं, नर्व कोर्ड, नोटोकोर्ड, फेरिंजियल गिल स्लिट्स, ये सब इनमें पाए जाते हैं। और जो सब फाइलम है वो वर्टिब्रेटा में जो फिशेज हैं वो कंसिडर की जाती हैं, वर्टिब्रल कोलम इनमें पाया जाता है। सुपर क्लास की अगर अपन बात करें तो पिसेस जो कि फिशेज की सुपर क्लास है, सारी की सारी जितनी भी मछलियां हैं वो सभी इस सुपर क्लास में आती हैं। और क्लास की अगर अपन बात करें तो ये ओस्टिक थी जो बोनी फिशेज होती हैं उनमें ये आती है। ये बोनी फिश है क्योंकि नोटोप्टेरस एक बोनी फिश है। इसका जो एक्सोस्केलेटन है इसका वो बोन्स का बना हुआ होता है। और दूसरा जो बोनी फिश होती है उसमें ओपरकुलम पाया जाता है, जो माउथ है वो टर्मिनल पाया जाता है, और जो टेल होती है वो होमोसर्कल होती है। ये सब की करेक्टर इसमें पाए जाते हैं। और सब क्लास इसकी एक्टिनोप्टरजाई है। एक्टिनोप्टरजाई की खास बात ये होती है कि ये ट्रू बोनी फिशेज होती हैं। ऑर्डर इसका क्लोपीफॉर्मिस है, और फैमिली इसकी नोटोप्टेरिडी है, जीनस नोटोप्टेरस है, और इसकी जो स्पीसीज है वो जिसकी अपन स्टडी कर रहे हैं तो एक स्पीसीज इसकी होती है नोटोप्टेरस चिताला। और इसकी अगर अपन संरचना देखें नोटोप्टेरस की, अब स्ट्रक्चर देखें, एनाटोमिकल स्ट्रक्चर देखें, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखें, तो इसकी जो पहचान है वो मेन पहचान इसकी है क्योंकि ये जो फिश है इसको अपन, इस फिश को कॉमनली अपन जानते हैं इसको, वो इसका जो कॉमनली कॉमन नेम है इसका, ये बैक फीडर फिश भी इसको कहते हैं। बैक फीडर फिश का मतलब, क्योंकि ये है नोटोप्टेरस। नोटोप्टेरस जो वर्ड है, नोटोप्टेरस जो वर्ड है ये बना है मेनली दो शब्दों से। नोटोप्टेरस में दो शब्द हैं, जो ग्रीक वर्ड नोटो जिसका मतलब बैक होता है, टेरस जो कि मतलब है इसका फैदर से। तो इसको अपन फैदर बैक फिश भी कहते हैं, फैदर बैक फिश। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी बैक में पीछे की तरफ पंख नुमा संरचना पाई जाती है। और ये पंख नुमा संरचना क्या है? ये पंख नुमा संरचना, इसका जो एनल फिन है, ये एनल फिन कोडल फिन तक एक्सटेंड होके पाया जाता है और एक फैदर लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। इसका जो डोर्सल फिन होता है वो छोटा होता है, वेंट्रल फिन इसमें लगभग एब्सेंट होता है, पेक्टोरल फिन इसमें पाया जाता है जो कि बहुत छोटा होता है, पेल्विक फिन या तो होता है या फिर बहुत छोटा डिजनरेटेड फॉर्म में होता है। और इसकी अगर खास बात अपन बात करें तो इसको अपन नाइफ फिश भी कहते हैं। और नाइफ फिश क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो स्ट्रक्चर है अगर अपन देखें तो ये नाइफ के जैसी लगती है, और ये इसका जो एनल फिन है ये किसी चाकू की धार के जैसे दिखाई देता है, इसलिए इसको नाइफ फिश भी कहते हैं। और अगर अपन इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये वाइडली स्प्रेड फिश है। ये फ्रेश वाटर बॉडीज़ में पाई जाती है। जो ये फिश है ये फ्रेश वाटर बॉडीज़ में पाई जाती है। इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा, मलाया, आर्चिपेलागो, फिलीपाइंस, इन सब जगह पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ऑल ओवर वर्ल्ड में। और इंडिया में ये बहुत ज़्यादा प्रचुरता में, अबंडेंस में पाई जाती है, और मेनली ये यूपी, पंजाब, बिहार, उड़ीसा और नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश ने इसको स्टेट फिश के रूप में डिक्लेयर कर रखा है क्योंकि ये फिश और फिशरी को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्रेश वाटर बॉडी में पाई जाती है और खाने में बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। अब इसके हैबिट और हैबिटेट की अगर अपन बात करें तो ये फ्रेश वाटर में रहने वाली फिश है, ब्रैकिश वाटर में पाई जाती है, मार्शी मेडो में पाई जाती है, रिवर्स में ये मिलती है जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और महानदी, इन सभी नदियों में ये पाई जाती है। ये बॉटम फीडर होती है, कार्निवोरस होती है, प्रीडेसियस होती है, और ये फीडिंग इसकी स्मॉल ऑर्गेनिज्म जैसे इंसेक्ट और क्रस्टेशियंस पे फीडिंग के लिए डिपेंडेंट होती है।
अब अपन इसके देखते हैं जनरल कैरेक्टर्स, जनरल कमेंट्स। तो नोटोप्टेरस को कॉमनली नाइफ फिश भी कहते हैं, कैट फिश भी कहते हैं, चीतल भी कहते हैं, और इसका जैसा कि अपन ने देखा बैक फेदर भी, इसको फेदर बैक फिश भी कहते हैं। इसकी बॉडी जो होती है स्ट्रोंगली कंप्रेस्ड होती है, शॉर्ट प्री कोडल रीजन में छोटी होती है, और इसकी जो लेंथ है वो लगभग 1.5 मीटर होती है। कलर इसकी, इसकी बात करें तो ये सिल्वरी डार्क ग्रीनिश और ग्लोसी येलो बैक पे होता है इसका कलर। हेड जो इसका होता है लार्ज होता है, ऑब्लिक माउथ होता है इसका, वाइटिश आइज होती हैं और नॉस्ट्रेल होते हैं, और हेड में म्यूसीफेरस चैनल्स डेवलप होते हैं। डोर्सल फिन इनका शॉर्ट होता है, वेंट्रल फिन बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड होता है या एब्सेंट होता है, और एनल फिन जो कि इसकी खास पहचान है जो इसको नाइफ लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है या फिर फेदर बैक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है, तो ये जो एनल फिन है ये इसका बहुत बड़ा होता है, कोडल फिन इसका रिड्यूस्ड होता है, जिसमें कि नंबर ऑफ कंबाइंड रेज ऑफ एनल और कोडल 85 से 100 तक रेज पाई जाती हैं फिन रेज। पेल्विक फिन जो है उसमें 3 से 6 सब ओपरकुलर पेल्विक फिन, 3 से 6 जो फिन रेज हैं वो पाई जाती हैं। एयर ब्लैडर इसका बहुत बड़ा होता है और कुछ कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होता है। टीथ इसके होमोडोंट होते हैं। गिल कवर्स आर स्केली, गिल कवर जो हैं वो स्केली होता है, स्केल्स होते हैं। लेटर लाइन में 120 से 180 स्केल्स होते हैं और वेंट्रल स्क्यूट्स 25 से 45 होते हैं। अब अपन बात करें इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, तो इकोनॉमिकली ये बहुत इम्पोर्टेंट फिश है क्योंकि ये फूड वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है। इंडिया में भी एज ए फूड ये बहुत ज़्यादा यूज की जाती है। क्यों? क्योंकि इसका जो फ्लैश है, जो मीट है, वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, वेरी रिच इन न्यूट्रिशन, और फ्लेवर्ड होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, तो ये सेलेक्टिव फूड फिश के रूप में काम में ली जाती है और बहुत अच्छी प्राइस इसकी मिलती है। इसलिए यूपी ने इसको स्टेट फिश के रूप में डिक्लेयर किया है, फिशरीज को प्रमोट करने के लिए। इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है इसके कल्टीवेशन का, क्योंकि ये जे फूड बहुत ज़्यादा काम में ली जाने वाली फ़िश है, तो यदि फ़िश के सीड अवेलेबल हों तो फिर जो फिशरी है वो करनी चाहिए, जिससे बहुत फ़ायदा हो सकता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसकी हाई ग्रेड की होती है। आज का अपना ये जो म्यूजियम स्पेसिमेन है ये यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।